सागर का आदमी कभी फेल नहीं होता है। सागर के प्रश्नोत्तरी में एक बार पेपर हुआ तो सागर में प्रश्न आया कि चुनौती किसे कहते। अच्छा, हमको सिखा रहा है। चुनौती बताओ। तो सागर का तीन बत्ती पर रहने वाला चंगीलाल, चंगीलाल के हाथ में पेपर पड़ गया कि पेपर में आया कि चुनौती किसे कहते हैं, बताओ। एक सेकंड। चंगीलाल बोले, 10 क्यों, 2 में लिखो। सागर का आदमी छोटा मोटा तो है नहीं, तो उसने उत्तर में लिखा, चलो भाई आगे पढ़िए। पेपर पेज खोला, आगे पढ़िए। तीसरा पेज लाइन खींची, आगे पढ़िए। सबसे लास्ट का पेज जब उत्तर पुस्तिका का आ गया, तब उसने लाइन में लिखा, आपने कहा मास्टर चुनौती किसे कहते हैं, उत्तर, तेरे बाप में दम हो तो पास करके बताओ चुनौती इसे कहते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। बाद में जिस मास्टर ने वो कॉपी देखी, जांच की, उसने रिटायरमेंट ही ले लिया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ऐसे एक बार और हमें याद आ गई तो कह दे, फोकटलाल के स्कूल में चंगीलाल पढ़ रहा था, फोकटलाल के स्कूल में चंगीलाल पढ़ रहा था, फोकटलाल मास्टर था, टीचर था, उसने कहा चंगीलाल पानी में रहने वाले 5 जीवों के नाम बताओ। अबे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। चंगीलाल बोला, 1 मेढक। मास्टर बोला, 4 और। बोले, मेढक का बाप, मेढक की मताई, मेढक की बहन, मेढक का भाई। बोले हो गए 5। उस दिन के बाद फिर मास्टर ने पढ़ाना ही बंद कर दिया, इस्तीफा दे दिया कि बोले तुम सागर के, बोले हम सागर के, बोले अब क्या पढ़ाना, हो गया काम। बोले हम भी संन्यास ही लेंगे अब। तो हमने बाद में पता किया कि वो बागे सुधाम आया था अर्जी लगाने, और उसी मास्टर की करामात है कि हम सागर आ गए।